नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाकाल टुडे के इस बुलेटिन में। मैं हूं कपिल शर्मा। हम बताएंगे आपको शहर का हाल, वो भी पूरे विस्तार से। दो दिन पूर्व उज्जैन के कार्तिक मेले में हुई हत्या के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का अभी तक खुलासा नहीं किया है। इधर आज सुबह इनमें से 3 आरोपियों के घर मामा का बुलडोजर चला। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। बता दें कि मंगलवार रात को कार्तिक मेले में बहन के साथ छेड़खानी करने से मना करने पर आगरा में रहने वाले दीपक यादव नामक 22 वर्षीय युवक की झूला संचालक और उसके साथियों ने सीने में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। विरोध स्वरूप कल दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मेले में शव रख कर झूलों में तोड़फोड़ कर दी थी। इसके बाद प्रशासन ने मेला समाप्ति की घोषणा कर दी थी। वहीं महाकाल पुलिस ने इस मामले में हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका अधिकृत खुलासा अभी नहीं हुआ है। इधर आज सुबह इनमें से 3 आरोपियों के मकान पर मामा का बुलडोजर चला। प्रशासन के अधिकारी सुबह नगर निगम और पुलिस फोर्स को लेकर जूना सोमवारिया और जानसपुरा पहुंचे और मकान तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। उज्जैन SDM कल्याणी पांडे के मुताबिक इन लोगों को नोटिस देने के बाद मकान तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्तिक मेला ग्राउंड पर जो दुखद इंसिडेंस हुआ था, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसके संबंध में पुलिस ने जो आरोपी हैं उनका जो कल उनको पकड़ लिया है, और उसके आधार पर क्योंकि वो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें सम्मिलित हैं, तो नगर निगम द्वारा उनका जांच की गई, विधिवत की इनके जो मकान है वो विधिवत अनुमति ली गई है या नहीं निर्माण की नगर निगम से, वो सब देखा गया। और उसमें ये पाया गया कि ये जो 3 आरोपी हैं इनकी जो घरों के निर्माण की अनुमति है वो नहीं ली गई है, और इस प्रकार से नगर निगम द्वारा उन्हें अवैध ठहराकर उनको नोटिस दिया गया 1 से 1 या 2 दिन में खाली करने के लिए, और फिर फाइनल नोटिस देकर आज उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से ये कुल 3 मकान हैं जिन पर कार्रवाई आज दिनांक को नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है।